और बेटा पेज नंबर का टेंशन नहीं लेना, रजिस्टर अच्छे से बनाना, ये रजिस्टर रजिस्टर का टेंशन नहीं लेना। आप अगर अपनी लाइफ सोच करके आ रहे हो कि मेरे को 50,000 रुपये पर मंथ मिल जाए तो काफी है, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। आप लोग अभी बैठे बैठे एज अ स्टूडेंट ये सोचते होंगे ना यार 50,000 पर मंथ मिल जाए काफी है, एक जनरल जनरल 1,00,000 रुपये पर मंथ, ठीक है। आप बोले 5 करोड़ पर मंथ मिलने चाहिए और, ठीक है, फिर तो फिर सब सपने सपने होते हैं, वो ठीक है, वो अलग बात है। एक जनरल अपन देखे 50 से 1,00,000 रुपये पर मंथ अपने को मिलना चाहिए, ठीक है। सी ए कंप्लीट हो चुका हूं मैं, सीएस भी कंप्लीट हो चुका, 21 में कंप्लीट हुआ था, सपोज कर लो मेरे को 10 साल हो चुके हैं कंप्लीट करे हुए, 3.5 लाख रुपये पर मंथ का ईएमआई है मेरा। इनकम की बात नहीं कर रहा हूं मैं मेरे खर्चों की बात कर रहा हूं। ये आपका फ्यूचर रहेगा, यहाँ पे आप 3.5 लाख रुपये की तो ईएमआई बेयर करोगे, और ये बहुत मिनिमम है, बहुत मिनिमम। बस मैं आपको इतना ही मोटिवेशन दे सकता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, मैं बस आपको इतना ही मोटिवेशन दे सकता हूँ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम कि बॉस तुम अगर ये सोच के आ रहे हो ना कि मेरे को मेरी 50,000 से 1,00,000 रुपये तक की इनकम मिल जाए तो तुम बहुत छोटा सोच रहे हो अपने लाइफ में। 3.5 लाख रुपये तक का तो मेरा ईएमआई है। दर्शन सर का मैं आपको बताता हूँ, वैसे मेरे को पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी की शेयर नहीं करना चाहिए, मेरे को बिल्कुल नहीं मालूम उस आदमी का 5.5